बुलंद हौसलों की अनदेखी भी उड़ान भरने से नहीं रोक पाई। ये साबित कर दिखाया है चंबा जिला के पिछड़े गांव रेटा की सीमा ने। पहले उधार के पैसों से बैंकॉक गई, एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, तो अब अपने ही देश में 3000 मीटर दौड़ में नया कीर्तिमान स्थापित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में सीमा ने महज 9 मिनट 50 सेकंड में 3000 मीटर की दौड़ पूरी कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हालांकि सीमा को इस बात का रंज जरूर है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की ओर सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। साथ ही हर्ष इस बात का है कि जो सपना संजोया है उसी दिशा में वे आगे बढ़ रही हैं। इसमें कोच केहर सिंह पटियाल ही नहीं बल्कि साई हॉस्टल धर्मशाला की प्रभारी निर्मल कौर भी सहयोग दे रही है। पारिवारिक स्थिति खराब होने के बावजूद उन्हें परिवार से सहयोग मिल रहा है। मां के आशीर्वाद से वे कदम दर कदम हर मुकाम हासिल कर रही हैं। धाविका के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद हिमाचल सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिल पाई है। गायत्री परिवार, रोटरी क्लब धर्मशाला व अन्य निजी शिक्षा संस्थानों से सीमा को सम्मान के साथ आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी धाविका को हौसला अफजाई के लिए सहयोग देने के लिए आगे आ रही हैं। एथलेटिक कोच साई हॉस्टल केहर सिंह पटियाल ने बताया कि प्रदेश में उभरती प्रतिभाओं के हौसले को उड़ान देने के लिए प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए ताकि वे लक्ष्य को बिना किसी बाधा के हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि लेकिन आज तक ना तो प्रशासन और ना ही प्रदेश सरकार की तरफ से सीमा को कोई सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि सीमा ने जो सपना देखा है उसे वे जरूर पूरा करेगी। साई हॉस्टल भी सीमा के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात उसकी सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। जी सर, सीमा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एथलेटिक जो एथलेटिक की ट्रेनिंग है यहाँ की धर्मशाला की, उसने जो अभी हाल ही में जो है विजयवाड़ा में जो जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है 3000 मीटर रेस में अंडर 18 ईयर्स में, और 9 मिनट 50 सेकंड का इसने न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। जो पहले का रिकॉर्ड 10 मिनट 2 सेकंड का था, और इसने पर्सनल बेस्ट भी दिया है वहां पर जाकर। तो इसका फ्यूचर जो है एथलेटिक्स में बहुत ब्राइट है, क्योंकि इसकी सिर्फ 2.5 साल जो ट्रेनिंग एज है, 2.5 साल में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। लगातार इसके नेशनल में मेडल हैं, 3 इसके नेशनल रिकॉर्ड हो चुके हैं, अंडर 16 का, अंडर 18 का यूथ का, और ये जूनियर का जो अंडर 18 का, 3 इसके नेशनल रिकॉर्ड हैं। तो ये एक पोटेंशियल एथलीट हमारे कंट्री का इन फ्यूचर बनने वाला है, और 2022 की एशियन गेम, 2024 के ओलंपिक्स गेम में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जिसके इस लेवल का पोटेंशियल है। अगर इस तरह की सुविधाएं जो इसकी ज़रूरत हैं आगे खिलाड़ी की, वो अगर होती हैं, अगर सरकार आगे आती है, प्रशासन आगे आता है, इस खिलाड़ी किस वक्त हेल्प करते हैं, तो ये और भी बढ़िया कर सकती है। भारतीय खेल प्राधिकरण भी बच्चों के लिए बहुत कर रही है, इनको सुविधाएं दी हैं, 3-स्टार फैसिलिटी दी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी हैं, कोचेज दिए इनको, तो और साइड में और हेल्प हो जाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। धाविका सीमा ने बताया कि उनको इस बात का मलाल है कि इतना कुछ करने के बाद भी ना तो प्रशासन और ना ही सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता देना तो दूर, उन्हें मिलने तक कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2022 में एशियन गेम्स और 2024 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना है। ये बोल, मेरा नाम सीमा है, मैं चंबा जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, किसान परिवार से हूँ, और मैं 2 सालों से साई हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे कोच केहर सिंह पटियाल जी से प्रशिक्षण ले रही हूँ। मेरे नेशनल में अभी तक 10 मेडल है, उसमें से एक एशिया यूथ एशिया ब्राउन मेडल भी है, और मेरे 4 रिकॉर्ड है नेशनल के। और जो अभी आप विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में गए थे तो क्या रिकॉर्ड रहा आपका? 3 किलोमीटर का रिकॉर्ड रहा 950 का, जबकि मेरा 956 पहले का रिकॉर्ड था, 950 हो गया अब। आपका लक्ष्य क्या है? 2022 की एशियन गेम, सीनियर एशियन गेम, और 2024 के ओलंपिक्स। आपको क्या सरकार और प्रशासन ने कभी सम्मानित किया है? नहीं करा है, और पूछा भी नहीं अभी तक किसी ने, और मतलब पूछा भी नहीं है किसी ने। थैंक यू।